कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में दिव्यांगों, विधवाओं व बुजुर्गों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार पर उनकी लंबित पेंशन को शीघ्र बहाल करने की मांग की है। इसी मुतालबे पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज एक विरोध प्रदर्शन का एहतमाम किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे असहाय लोगों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा करने के बावजूद सरकार उनकी स्थिति पर शिथिल रवैया बनाए हुए है और उन्हें पेंशन राशि मुहैया नहीं करवा जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सामाजिक भलाई के विभाग ने विभिन्न कारणों से कई जरूरतमंदों की पेंशन महीनों से रोक रखी है, जिससे उन्हें कई प्रकार की मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, अपने वादों की जो लंबी चौड़ी लिस्ट थी, जिसको प्रधानमंत्री ने कल अपने राष्ट्र संबोधन में और लंबा कर दिया, उसमें एक वादा सरकार ने गरीबों के साथ किया कि बुजुर्गों, विधवा महिलाएं और विकलांगों की पेंशन 200 रुपए और 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाएगी। ये वादा तो देश के प्रधानमंत्री ने खुद और वित्त मंत्री ने किया, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि 200 रुपए और 400 रुपए की पेंशन तो लोगों को बंद कर ही दी, 1000 रुपए के सपने सरकार ने लोगों को दिखा दिए। कुछ दिन पहले स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि आप गरीब लोगों को जो आपने वादा किया कि 1000 रुपए की पेंशन देनी है, वो क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी हमें फंड ही नहीं मिला। कुछ समय पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक फरमान निकला, मैं यूं कहूंगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लोगों को गुमराह किया कि आप पहले अपना आधार कार्ड जमा करवाएं, उसके बाद आपको बड़ी हुई पेंशन मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोगों ने तो अपना आधार कार्ड जमा करवाया, लेकिन बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड बना ही नहीं, और सरकार का एक यकायक फैसला आया और तमाम आधार कार्ड सेंटर जो जम्मू कश्मीर में है उनको बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग, विकलांग और विधवा महिलाएं हैं जो अपनी पेंशन का इंतजार पिछले एक साल से कर रही हैं, मगर पेंशन का कोई नामो निशान नहीं।